பூர்ணமதா பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்திஹி. நாமாபிதே ச மதுரம் மதுரம் ஸ்வரூபம், கர்மாபிதே ச மதுரம் மதுராஸ்மிருதிஷ்ச, புத்திம் பிரபோதய பிரபோ மதுபோதசக்திம், வித்யாம் பிரயச்ச பரமாம் பரிபாவயாமி. நாராயணாகில குரோ பகவன் நமஸ்தே, நாராயணாகில குரோ பகவன் நமஸ்தே, நாராயணாகில குரோ பகவன் நமஸ்தே. 11 பேஜ் பர் நீ 11 கே அந்திம் பன்தி. தஸ்யாஸ்யேத்யாதி காண்டயோஹ சம்பந்தம் ப்ரதிஜ்ஞாய தத்தர்த்யேன சித்தேர்த்தே வேதாந்த ப்ராமாண்யம் சர்வோபி இத்யாதினா ப்ரசாத்ய அதுனா கர்மபிஹ் சுத்த புத்தேஹ வைராக்யாதி த்வாரா ஞானோத்பத்திரிதி தயோ சம்பந்தம் கதயதி சர்வதாபி. நாராயண தஸ்யாஸ்யேத்யாதினா காண்டயோ சம்பந்தம் ப்ரதிஜ்ஞாய தாதர்த்தேன சித்தேர்த்தே வேதாந்த ப்ராமாண்யம். ஜோ ஸ்வாவ் ஸ்வபாவவாதி சார்வாக் இத்தியாதி ஹோத்தே ஹன் அந்திம் சாஸ் ஜப் தக் ஹை தப் தக் அனிஷ்ட கா நிவாரண ஹோத்தா ரஹே, இஷ்ட கி ப்ராப்தி ஹோத்தி ரஹே. 11 பிருஷ்ட அந்திம் பங்க்தி ஆனந்த்கிரி. இஸ்கே லியே பிரயாஸ் கர்த்தே அத்தேவ் உன்கோ பிரத்யக்ஷாதிரிக்த பிரமாண கோ மான்னே கி ஆவசியக்தா நஹி ஹோத்தி, க்யோங்கி சாத்ய சாதன் அவ் பாத்ய பாதக் பாவ கா ஜ்ஞான் உன்கோ பிரத்யக்ஷ பிரமாண கே த்வாரா அத்வா அனுமான கர்பித் பிரத்யக்ஷ பிரமாண கே த்வாரா ஹோ ஜாதா ஹை. பூக் லக்னே பர் போஜன் கர்னே சே பூக் கி நிவ்ருத்தி பல் கி ப்ராப்தி ஓ திருப்தி ஹோத்தி ஹை. யா வோ ஜான் ஜாத்தே ஹை பிரத்யக்ஷ பிரமாண கே பல் பர் கிஞ்சித் அனுமான கே பல் பர் ஆஜ் ஜோ பூக் லகி ஹை இஸ் சமய உஸ்கி பூர்த்தி அபீஷ்ட அன்ன கே சேவன் சே ஹோ சக்தி ஹை, ஜைசே கி கல் ஜோ பூக் லகி தி உஸ்கி நிவ்ருத்தி அபீஷ்ட அன்ன கே சேவன் சே ஹுயி. இஸ் பிரகார் உன்கோ ஃபிர் பிரத்யக்ஷ ஔர் அனுமானாதிரிக்த சாஸ்திர பிரமாண கோ மான்னே கி ஆவசியக்தா நஹி ஹை. லேகின் தேகத்யாக கே பஷாத் இஷ்ட பிராப்த ஹோ அனிஷ்ட சே ஹம் தூர ரஹே, இஸ் பிரகார் கி பாவனா கி சித்தி தவி ஹோ சக்தி ஹை ஜப் தேக நாஷ சே ஆத்மா கா நாஷ ந மானே, தேகாந்தர் சே சம்பத ஜீவ கா அஸ்தித்வ ஸ்வீகார் கரே. அப் யஹீ பர் ஆகம பிரமாண கோ மான்னே கி ஆவசியக்தா ஹோத்தி ஹை. அப் பிரஷ்ன உட்தா ஹை கர்ம கா ஃபல் சுப ஔர் அசுப தோனோ பிரகார் கா ஹோத்தா ஹை, சாஸ்திர சம்மத விதி நிஷேத கா பரிபாலன் கர்னே பர்
पुण्य की निष्पत्ति होती है, उसके फलस्वरूप इष्ट की प्राप्ति होती है, सुखोपलब्धि होती है, सुखप्रद विषय प्राप्त होते रहते हैं। लेकिन शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म, उसका तो संपादन तभी हो सकता है जब हम देहांतर से संबद्ध आत्मा को कर्ता भोक्ता स्वीकार करें, क्योंकि कर्म कर्तृ सापेक्ष होता है, यह तो सर्वसम्मत सिद्धांत है। ऐसी स्थिति में जब तक आत्मा को कर्ता भोक्ता न माने और कर्म के फलस्वरूप देहांतर की प्राप्ति संभव है ऐसा स्वीकार न करें, तब तक वेदोक्त कर्मकांड में प्रीति प्रवृत्ति परिलक्षित नहीं होती। लेकिन प्रश्न उठता है कि वेदोक्त कर्मकांड के माध्यम से जो स्वर्गादि लोकों की उनके सेवन से सुख की प्राप्ति होती है, उससे सर्वथा अनिष्ट का निवारण हो जाता है, क्योंकि जो कृतक होता है वो नश्वर होता है, कृतकम नश्वरम, कृतक नश्वर होता ही है, कर्म का फल अनित्य होता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति, ऐसी स्थिति में अनिष्ट का सर्वथा निवारण तो देहांतर से संबद्ध आत्मा को मान लें, कर्मकांड के पक्षधर होकर पुण्य का संपादन करें तो भी संभव नहीं है। कभी कभी तो भाष्यकार भगवान ने कहा, पुण्य करते करते प्रबल संस्कार के वशीभूत होकर पाप भी व्यक्ति कर बैठता है। जब अनिच्छन्नपि पाप का आचरण हो जाता है, तब अनिच्छन्नपि उसका फल दुख भी प्राप्त करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सुख और दुख दोनों जो द्वंद्व, उन से पिंड छुड़ाने के लिए आवश्यक होता है कि हमको इष्ट ही प्राप्त हो, अनिष्ट प्राप्त ना हो, तदर्थ आत्मा को कर्ता भोक्ता ना समझें। क्योंकि स्वसंवेद क्रियाफलशाली कौन होगा? कर्ता। अपर संवेद क्रियाफलशाली कर्म होगा। क्रिया की सिद्धि करण के बिना नहीं हो सकती। करण निष्ठ क्रिया होती है, जैसा कि कल रात में प्रतिपादन किया गया, तब विचार किया जाता है करण निष्ठ क्रिया का प्रयोक्ता जो होगा वो क्या सचमुच में करण ही होगा या करण से अतीत होगा। करण भी अचित पदार्थ ही मान्य है, उसका प्रयोक्ता तो चित ही होगा। ऐसी स्थिति में करणों का प्रयोग भी कादाचित ही होगा, हर समय नहीं होगा। तो जब करणों का प्रयोक्ता नहीं होगा चेतन, तब वह कर्ता तो नहीं गिना जाएगा। ऐसी स्थिति में और जिस समय विषयन्द्रिय संगम से प्राप्त भोग्य पदार्थ का सेवन नहीं करेगा, उस समय भोक्तृत्व भी उसका अंतर्निहित अर्थात बीज रूप में ही शेष रहेगा, उच्छलित नहीं होगा। एतावता जब तक आत्मा को चिन्ह मात्र न समझें, उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व भी औपाधिक न जानें, तब तक अनिष्ट की आत्यंत की निवृत्ति और इष्ट की आत्यंत की प्राप्ति का मार्ग अवरुद्ध रहेगा। तदर्थ हमको ज्ञान कांड भी मानना पड़ेगा। अब यह जो पंक्ति है पूर्व वचनों का स्मारक है। अब प्रश्न उठता है कि जो जैमिनी महाभाग का कथन है, आमनायस क्रियार्थत्वात्, जितना भी वेद है उसका उपयोग और विनियोग कर्म के लिए है, क्रियार्थ ही आगम है, वेद है, अर्थात
केवल ज्ञान की सिद्धि में या कर्तृत्व भोक्तृ से विनिर्मुक्त अकर्ता भोक्ता आत्मा की सिद्धि में वेदों का तात्पर्य कथम सिद्ध नहीं है। भाव्य या अनुष्ठेय या भव्य जो कर्म उसी का प्रतिपादन यज्ञ दान तप आदि नाम से आगम करते हैं, या जो सिद्धांत है इसका भी अपनोदन उत्तर पक्ष वेदांत की ओर से किया। भाष्यकार भगवान ने आखिर आमनायस क्रियार्थत्वा जब कहते हैं तो क्रिया यज्ञ दान तप इत्यादि जो है वह तो कर्तृ सापेक्ष है, और कर्म में जो व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है वो चेतन की होती है, और कर्म में जो प्रवृत्ति होती है वो कर्म के लिए होती है या फल के लिए होती है? फल के लिए ना। और फल में जो प्रीति होती है वो फल के लिए होती है या अपने लिए? तो इसका अर्थ क्या हुआ, फल पर प्रेमास्पद हुआ या आत्मा ही पर प्रेमास्पद सिद्ध हुआ? इसलिए कर्म हो या फल दोनों परार्थ सिद्ध हो गए, अचित हैं परार्थ हैं, पर माने स्वप्रकाश आत्मा के लिए हैं। इसलिए आमनाय का तात्पर्य परार्थ कैसे हो सकता है? अगर आमनाय का तात्पर्य कर्म ही मानेंगे तो आत्मा को सार्वकालिक कर्ता भोक्ता मानना ही पड़ेगा। लेकिन कर्म हो चाहे फल हो उसमें जो प्रीति आत्मा की परिलक्षित है तदर्थ नहीं आत्मा के लिए है। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, यह तथ्य प्रत्यक्ष प्रमाण के बल पर सिद्ध है। यह श्रुति भी प्रत्यक्ष सिद्ध तथ्य का केवल ज्ञापन या ख्यापन मात्र करती है। इन सब दृष्टियों से आमनाय का तात्पर्य कर्म में सन्निहित हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म फल के लिए होता है, और कर्म सहित फल में प्रीति कर्म सहित फल के लिए न होकर अपने लिए होती है। इसका मतलब पर प्रेमास्पद आत्म तत्व ही है, और वह पर प्रेमास्पद जो आत्म तत्व है उसे जब कर्म भी अपनी अपेक्षा न्यून प्रिय होते हैं, फल भी अपनी अपेक्षा न्यून प्रिय होते हैं, ऐसी स्थिति में जब तक आत्म तत्व या जीव तत्व स्वयं को कर्ता भोक्ता समझता है तब तक दुख की प्राप्ति का मार्ग बना रहता है। अतः कर्तृत्व भोक्तृत्व से अतिक्रांत जो आत्म तत्व है उसका अधिगम कराने के लिए वेदों का उत्तर कांड अर्थात ज्ञान कांड है, उसकी उपयोगिता अवश्य सिद्ध होती है। हाँ पूर्ण कर्म हो जा होता ही है। अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्षणेय बलादि विनियोजिता, गीता का तीसरा अध्याय पांडव गीता। जानाम्य धर्मम न च मे प्रवृत्ति जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, उससे कुछ विलक्षण तथ्य अर्जुन ने कहा कि व्यक्ति पाप को पाप समझता हुआ उससे बचने की इच्छा करता हुआ भी किससे प्रेरित होकर हठात पापों में प्रवृत्त हो जाता। फिर आगे प्रश्न क्या है? कर्म ऐसा है ना कि ये शरीर प्राप्त हुआ है, एक ही कर्म के फलस्वरूप नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए कभी सुख मिलता है कभी दुख मिलता है। सुख मिलता है तो समझ लीजिए फल बल कल्प या कि पुण्य का फल है, दुख मिलता है तो समझ लीजिए पाप का फल है। और एक ही व्यक्ति के जीवन में कभी पुण्य के अनुष्ठान की भावना जगती है तो कभी भावना जग जाती है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, वहाँ भी देवताओं को जो कष्ट मिलता है, क्या
दाल में नमक के समान सही, और दत्त ये जो वृत्रासुर इत्यादि नाको दम कर देते हैं भागवत, वो कहाँ से आ गया? इसका मतलब स्वर्ग भी केवल केवल पुण्य के प्रभाव से नहीं मिल पाता। दाल में नमक के समान वहाँ भी पाप का सन्निवेश होता है। ऐसे ही अच्छा रियते यवशोपिसा गीता का छठा अध्याय, क्या भोग भ्रष्टता के संस्कार विवश कर देते हैं, योग मार्ग से च्युत कर देते हैं। लेकिन योगाभ्रष्टता का संस्कार जब प्रबल होता है, रियते भोग मार्ग से चलता चलता व्यक्ति दूर तक पहुंच जाता है, हठात वो योग संपदा का जब उदय होता है, भोग मार्ग से च्युत कर अपहरण कर उसको योग मार्ग पर लगा देते, अवसह लिखा है, अवसह दोनों जगह देखिए। अथ केन प्रयुक्त पापम चरति पुरुषा अनिच्छन्न पिवार्षणेय बलादिव नियोजिता या अवसा ह्रियते यवशोपिसा। योग मार्ग पर चलता चलता, जैसे राजा भरत जी योग मार्ग पर चलते चलते मृग शावक में प्रीति के कारण च्युत हो गए, ऐसे ही होता है। प्रबल पाप के संस्कार जब जगते हैं तो पुण्य के भाव को दूर फेंक करके पाप करा जो होगा देखा जाएगा, ऐसा तो कर ही लूँ जो होगा देखा जाएगा, यह वृत्ति आती है। इसलिए कर्म विपाक बहुत विचित्र चीज़ है। अत्यंत पुण्यात्मा से भी पाप सध जाता है, अत्यंत पापी से भी कोई ना कोई बहुत बड़ा पुण्य हो जाता है। ये कर्म तंत्र है जीवन, एक रस पुण्य ही होता रहे बहुत कठिन है, असंभव नहीं है। केवल पुण्य का फल भोगने के लिए ही शरीर नहीं मिलता, बल्कि शुभाशुभ कर्म, भगवान शंकराचार्य लिख चुके हैं ना पहले, मनुष्य शरीर तो शुभाशुभ कर्म दोनों के मिश्रण से हमको प्राप्त हुआ है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुण वृत्तिस्था दो गच्छन्ति तामसाः। ये हुआ तो क्या चल रहा था, अब कहा गया कि हाँ ये और बात ये कही गई कि आखिर कर्मकांड की बात छोड़िए, जीव की जो भावना है वो क्या है? आत्यंतिक कल्याण की, मृत्यु के चपेट से मुक्त हो जाऊँ, अज्ञता जड़ता के चपेट से मुक्त हो जाऊँ, दुख के चपेट से मुक्त हो जाऊँ, इस प्रयोजन की सिद्धि तो सच्चिदानंद की समुपलब्धि से ही संभव है। ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया न पहुँचे, ऐसा ज्ञान जहाँ जड़ता की छाया न पहुँचे, ऐसा आनंद जहाँ दुख न पहुँचे। अब अगर वो अपने से भिन्न होगा तो योगास्पद संयोगास्पद वियोगास्पद होगा। इसलिए मानना पड़ेगा कि जब तक ऐसा तत्व आत्मा ही न सिद्ध हो, तब तक आत्यंतिक श्रेय उपलब्धि नहीं होगी और दुख का भी आत्यंतिक निवारण नहीं होगा। ऐसी स्थिति में संपूर्ण वेद सच्चिदानंद की समुपलब्धि के लिए ही हैं, यह क्यों न माने? विपरीत आगम क्या कहा, आमनाय से क्रियार्थत्वात्, यहाँ कहते हैं स्वरूपोपलब्धि के लिए है आमनाय, भगवान शंकराचार्य ने पलट के कहा तदर्थ हैं सब, तो कर्मकांड भी तदर्थ ही है। इसका मतलब ज्ञान कांड में प्रयुक्त विनियुक्त होने योग्य कर्म कांड है। इसमें श्रुति क्या है, यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति। उसके बाद कहा गया, मान लिया कि ज्ञान कांड है, लेकिन ज्ञान कांड को जब अधिकारी ही नहीं मिलेगा तो ज्ञान कांड क्या करेगा? मान लीजिए गणित का विषय है, न्याय का विषय रख दिया विश्वविद्यालय में, अब वो गणित का छात्र ही नहीं मिलेगा या न्याय का छात्र ही नहीं मिलेगा तो विभाग क्या करेगा, कौन पढ़ाएगा, पढ़ेगा कौन, प्रश्न उठता है। तो जितना ऊंचा अधिकारी लिखा गया कहा गया वेदांतों में, उतना ऊंचा अधिकारी कोई हो ही नहीं सकता। अधिकारी जब नहीं हो सकता तो ज्ञान कांड व्यर्थ, तब कहा बिरले तो हो ही सकता है, कोई ना कोई हो सकता है, बल्कि
ज्ञान कांड को अधिकारी प्राप्त हो सके तदर्थ ही कर्म कांड है। अब यहाँ से चला, यहाँ तक ले आए, अब तक शास्त्रार्थ को यहाँ पर लेके अब मोड़ रहे हैं। ज्ञान कांड को अधिकारी चाहिए, साधन चतुष्ट संपन्न अत्यंत विरक्त, तदर्थ ही तो कर्म कांड हम मान रहे हैं। और वो जो है बेटा, लड्डू दूंगी, मोदक दूंगी, गुरुची पी ले के समान, तो वास्तव में क्या है? वास्तव में यह है कि ज्ञान कांड में अधिकृत हो सके जीवात्मा, इसके लिए शास्त्रों में आस्थान्वित करने की भावना से उसे कर्मकांड में प्रेरित किया जाता है, और कर्मकांड की घाटी पार करके वह ज्ञान कांड में अधिकृत हो सकता है। स्वर्गादि का जो वर्णन किया गया है वो व्यावहारिक धरातल पर सत्य होने पर भी परम तात्पर्य रूप से नहीं किया गया, क्योंकि आखिर पूर्व मीमांसकों को भी स्वर्ग की परिभाषा क्या करनी पड़ी? यन्न दुखेन संभेन्नम नचग्रस्त मनंतरम अभिलाषोपनीतम च। यन्न दुखेन संभिन्नम नचग्रस्त मनंतरम, दुख मिश्रित ना हो भविष्य में भी संभावना ना हो दुख के मिश्रण की, अभिलाषोपनीतम इच्छा मात्र से बस रबड़ी कचौरी डालमा की प्राप्ति हो जाए, उसके सेवन से आनंद ही आनंद चक है जाए। ब्रजवासी कहते विजया देवी मिल जाए या जरा मलाई मिल जाए बस चक है जाए। चौबेरी कहते यजमान मिल गयो, सब काम सध गयो हुआ न, तो आखिर उनको भी सुख कर्मकांडी होने पर भी आखिर उनको स्वर्ग की परिभाषा क्या करनी पड़ी? यन्न दुखेन संभिन्नम नचग्रस्त मनंतरम। अब जो अभिलाषोपनीतम, बढ़िया बात है, लेकिन ऐसा जो स्वर्ग पद है, स्वर्ग को परिभाषित किया पदत्वे न, ऐसा स्वर्ग क्या कर्मकांड के फलस्वरूप में मिल सकता है? कर्म का फल अनित्य होता, जो कृतक होता है नश्वर होता, इस सिद्धांत को यत् कृतकम तन, वो तो नश्वर होगा ही, कृतक होगा वो नश्वर होगा। नारद परिव्राज को उपनिषद में दो बार यह श्रुति है, मुंडक में भी है, जो कृतक होगा वो नश्वर होगा। अब वो दर्शन तो अपना गला दबा देगा ना, जो आपने स्वर्ग की परिभाषा की, क्या कर्म के फलस्वरूप उस स्वर्ग की समुपलब्धि संभव ही है? संभव भी है तो अंत में निरीक्षण परीक्षण के बल पर मानना पड़ेगा संभव नहीं है। लेकिन असंभव इसलिए नहीं है कि हमने एक दिन बताया था, अरे भूख लगती है तो अन्न का अस्तित्व मानना ही पड़ेगा, विश्व में अन्न नामक कोई वस्तु ना हो तो भूख भी क्यों हो? क्या आँख है तो रूप का अस्तित्व मानना ही पड़ेगा, कान है तो शब्द का अस्तित्व मानना ही पड़ेगा, नाक है तो गंध का अस्तित्व मानना ही पड़ेगा, प्यास है तो पानी का अस्तित्व मानना ही पड़ेगा, समस्त दुखों की अत्यंत की निवृत्ति परमानंद की परम प्राप्ति की भावना है तो समस्त दुखों की अत्यंत की निवृत्ति संभावित है, और परमानंद स्वरूप कोई तत्व है, परमानंद की प्राप्ति असंभावित नहीं है। इस दृष्टि से विचार करने पर फिर कर्मकांड का उपयोग क्या है? केवल स्वर्ग की प्राप्ति नहीं, वो तो रोचनार्था क्रिया है, स्वर्गार्थ जो कर्म है वो रोचनार्थ है। अंत में क्या है? एक ही कर्म है, सकाम व्यक्ति ने छू दिया उसको तो उसका नाम हो गया काम। क्या कर्म तो जो कहते हैं वही यज्ञ न दान न तपसा, यज्ञ दान तप, कर्म में कोई विलक्षणता नहीं आई, कर्ता की के विलक्षण होने पर कर्म की विलक्षणता सिद्ध हो गई। अगर कर्ता सकाम है तो सकाम ने जिसको छू दिया वो कर्म हो गया काम्य, भगवान शंकराचार्य का वाक्य काम गीता भाष्य में, हिंदी में मैं कह रहा हूँ, वहाँ संस्कृत में भाव उन्हीं का है। और निष्काम व्यक्ति ने छू दिया तो क्या हो गया? निष्काम कर्म। तो भगवान शंकराचार्य ने खेद प्रकट किया, क्या खेद प्रकट किया? देखो व्यक्ति को उसकी कामना मार डालती है,
अगर कामना ना हो, कामना ना हो तो वही कर्म ज्ञान कांड में अधिकृत कर दे और लोक परलोक की कामना हो, अनात्म काम हो हम, तो हमारी कामना ही उस कर्म का फल सीमित कर देती। क्या कर्म का फल असीम तो हो नहीं सकता, लेकिन एक विचित्र बात है कि जगह जगह लिखा है कि अमुक कर्म का फल क्या है, अविनाशी है। गीता के 9वें अध्याय में धर्म्यम, अमुक धर्म अमुक कर्म का फल अविनाशी। तो कर्म का फल अविनाशी क्या हुआ, तदर्थ भगवदर्थ अगर कर्म कर लिया, आत्मा के निमित्त कर्म किया, कर्म फिर क्या वहाँ तक पहुँचाने में हेतु बन गया। इस प्रकार से कर्म को अनित्य द्रव्य ही प्राप्त वानस्म नित्यम, यमराज ने कहा नचकेता को, मेरी बुद्धि की बलिहारी देखो, यज्ञादि के द्वारा मैंने मर्त्य लोक की अपेक्षा स्थिर यम पद प्राप्त कर लिया। इतने ही नहीं, देहेन्द्रीय प्राणांतःकरण और यज्ञ की सामग्री का द्रव्य का प्रयोगता में इस ढंग से हुआ कि आज मैं स्वरूपस्थ हूँ, ब्रह्म विद्या से संपन्न हूँ, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य वजस्व माम ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम। अनित्य का उपयोग नित्य के लिए कर लिया और कर्म का उपयोग हमने भगवदर्थ कर लिया, तो कर्म का फल द्वार से सही, यमुना का आलम्बन लिया तो अभी तो गंगा के माध्यम से गंगा सागर तक पहुँच जाएंगे, बीच में छोड़े नहीं तो गंगा तक यमुना पहुँचा देगी। अंत में यमुना ने भी सागर तक पहुँचाया या नहीं, इसी प्रकार कर्म भी मोक्ष तक पहुँचा सकता है। तो कर्म को मोक्ष का द्वार बना लें, स्वर्ग द्वार न बनावे। क्या स्वर्ग द्वार बनावे तो स्वर्ग को जिस ढंग से पूर्व मीमांसकों ने परिभाषित किया उसका रहस्य समझ लें। कर्म का फल तो हो नहीं सकता वह, और जिसका फल हो सकता है वो ज्ञान है। तो ज्ञान का फल होगा तो ज्ञान में अधिकृत करने के लिए जिस स्तर का अधिकारी चाहिए उस स्तर के अधिकारी को बनाने के लिए ही कर्मकांड है। अब यहाँ पर ले आए मोर के शास्त्रार्थ, इतनी घाटी पार कर। अब विधिवत संन्यास लिया और अयोग्य हैं तब, विधिवत अगर दाखिला ले भी ले ले कोई एमए में, एक तो यहाँ होनी नहीं है, इंटर पास भी नहीं है, तो मान लीजिए विधिवत संन्यास का अर्थ क्या हुआ। विधि के अर्थ दो होते हैं, विधि का अर्थ एक होता है यजंत्य विधि पूर्वकम, यहाँ जो अविधि विधि का निषेध है तो निषेधार्थक अ को छुड़ा हटा दें तो क्या रह गया, विधि। विधि का अर्थ है यहाँ पर ज्ञान, अविधि का अर्थ है अज्ञान। विधिपूर्वक संन्यास में विधि का अर्थ क्या है, कर्मकांड का पेट भर दिया, एक विधि ये है और एक क्या है विधि, साधन चतुष्टय संपन्नता के अनंतर ये हुआ ना विधि, माने विधिवत। विधिपूर्वक का मतलब एक तो केवल हमने कर्मकांड का पेट भर दिया, ब्राह्मण होते हुए संन्यास लेने की जो प्रथा है, विधा है शास्त्रों में, उसके अनुसार हमने संन्यास ले लिया आश्रम क्रम से या जो कुछ, आश्रम की दृष्टि से हम संन्यासी हो गए। लेकिन स्तर की दृष्टि से अगर साधन चतुष्टय संपन्न नहीं है तब संन्यासाश्रमोचित कर्म का पालन करके उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। और कहीं संन्यासाश्रमोचित जो कर्म है वो समदमादि रूप है, वो समदमादि रूप कर्म नहीं सज पाया क्योंकि नीचे की पूंजी कमजोर है तो गिर भी सकते हैं। तो विधिपूर्वक संन्यास का अर्थ क्या होता है, विधिपूर्वक का अर्थ होता है साधन चतुष्टय संपन्न होता हुआ संन्यास की जो कर्मकांड परक विधि है उसके अनुसार संन्यास लेने वाला, ये हुआ ना। विधि का अर्थ दो हो जाएगा, क्या अधिकृत होता हुआ विधि विधान से संन्यास आश्रम को निरग्नि, निरग्नि होने के लिए जो विधि विधान है उसका पालन किया। अब यही गड़बड़ी हो गई कि ले लिया संन्यास, नैव त्याग फलम लभेत, गीता में कहा गया 18वें अध्याय, संन्यास ले लिया
और संन्यास का अर्थ होता है कर्म संन्यास, और कर्म संन्यास तो तब होगा जब कर्म का वेग और बल शांत हो जाए। यदा ही नेन्द्रियार्थे सुन कर्म सुनसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। कर्म का वेग बना हुआ है, कामना का वेग बना हुआ है, आश्रम हमने ले लिया संन्यास, संन्यास को कोसें नहीं लेकिन अपनी दुर्बलता तो समझें, उस क्षति की पूर्ति फिर करनी पड़ेगी। लेकिन समदमादि में फिर क्या प्रश्न उठेगा? समदमादि तो निवृत्ति परायण कर्म है ना, समोदम तपसौचम ब्रह्म कर्म स्वभावजम में समदमादि हैं। स्थूल कर्म जो ब्राह्मण के हैं वो अग्निहोत्रादि हैं। योगारूढ़ समक कारण मुच्यते, सम तो फल हुआ ना, कौन आरु रुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते, गीता 6:3-4 श्लोक। आरु रुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़ उसी समक कारण मुच्यते का अर्थ हुआ, आरुरुक्ष का अर्थ होता है योगारूढ़ होने की इच्छा तो है लेकिन जीवन में अधिकार संपदा उतनी उन्नत नहीं है, तो अधिकार संपदा को उन्नत करने की भावना से स्ववर्णाश्रमोचित कर्म का अनुष्ठान जो किया वो क्या हुआ, आरुरुक्ष के द्वारा आरुरुक्ष कर्तृक कर्म अनुष्ठान है। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण उच्यते, सम के प्रति कर्म कारण है, अयोगारूढ़ सम कारण मुच्यते। जब योगारूढ़ हो गए, समत्व की सिद्धि हो गई, तब श्रवण मनन ध्यासन का अधिकार प्राप्त हुआ। ऐसी स्थिति में विधिवत संन्यास का अर्थ है कर्मकांड परक विधि और ज्ञान कांड परक विधि, दोनों विधि से संपन्न हो तब विधिवत संन्यास हुआ, नहीं तो आश्रम संन्यास उसको कहते हैं, क्रम संन्यास, उसमें विस्फोट ना हो। विस्फोट माने संन्यासाश्रमोचित मर्यादा का उल्लंघन न करे तो उसका फल होगा देहत्याग के बाद उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। जीवन में कोई विस्फोट ना हो माने फिर घर आदि से संपर्क आदि ना हो, ये सब मतलब हुआ। ये माने धन मान के लिए संन्यास ना ले और विषय वासना की परिपुष्टि के लिए संन्यास ना ले, सचमुच में समदमादि त्रिकाल स्नान प्रणव का जप ये भी तो कर्म हुआ ना, 10,000 कम से कम प्रणव का जप करे रोज, 2.5 अक्षर मान लें तो 4 से गुणा कर दें 2.5 को कितना हुआ 10, और वो आधे मात्रा मान लें मौकी तो 2.5 को 4 से गुणा कर दें कलयुग में 4 चतुर्गुण, तो 10,000 कम से कम प्रणव का जप करे, उसके लिए ये कर दिया ना, उस क्षति की पूर्ति। यहाँ से क्या अपने अंतक निरीक्षण करना चाहिए, कर्मयोग के द्वारा जितने स्तर की फलोपलब्धि होनी चाहिए अधिकार संपदा उसमें कितनी कम है या पूर्ण है, अगर कम है तो उसकी पूर्ति फिर संन्यासाश्रमोचित कर्म के द्वारा प्रणव जप गुरु की आराधना आदि के द्वारा फिर पूर्ण करें, क्या मंत्र पाठ करें, ये सब निवृत्ति परायण बनाने वाले जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन करे, वो क्षति की पूर्ति तो करनी पड़ेगी, क्या वो उसके बिना काम नहीं चलेगा। ये हो गया विधिवत संन्यास। तामस कोटि का राजस कोटि का संन्यास ना हो, संन्यास माने कर्म संन्यास, संन्यास का अर्थ होता है अविद्या काम कर्म का संन्यास, अविद्या का त्याग सहसा कर नहीं सकते तदर्थ संन्यास, और कर्म का ऊपर अविद्या बनी रहे बीच में कर्म कामना बनी रहे, नीचे कर्म का त्याग कर दिया तो तामस कोटि का या राजस कोटि का संन्यास हुआ, नैव त्याग फलम लगे लभेत काया क्लेश भया त्यजेत, तो फिर उससे तो काम नहीं चलेगा। सात्विक संन्यास किया है कि कर्म का संन्यास न करके फलासा का त्याग किया, कर्म का परिग्रह तो परिलक्षित है लेकिन बंधन में हेतुभूत फलासा का त्याग कर दिया, विशुद्ध सात्विक संन्यास किया है फलासा के सहित कर्म का परित्याग हो गया, माने कर्म का बल और वेग, कर्म का जो वेग है वो शांत हो गया,
कर्म में प्रीति प्रवृत्ति, ज्वर इत्यादि के कारण शरीर में दुर्बलता के कारण कर्म का वेग शांत होना अलग है, प्रीति और प्रवृत्ति दोनों कर्म में, ज्ञानेन्द्रियों में विषय के प्रति, कर्मेंद्रियों में कर्म के प्रति प्रीति प्रवृत्ति न रह जाए, और प्रत्याहार युक्त धारणा के द्वारा मन को भगवत तत्व में सन्निहित करने का बल और वेग प्राप्त हो जाए, इसका नाम है सम। जितनी हम हों या आप हों, साधन चतुष्टय संपन्नता में जितनी न्यूनता है, तो संन्यासाश्रमोचित कर्मोपासना का आलंबन लेकर उसकी पूर्ति करनी चाहिए। उसमें मुख्य चीज़ है कर्मकांड के बदले हो गई गुरु की सेवा, उपासना कांड के बदले प्रणव इत्यादि में अधिकृत हैं तो, माने ब्राह्मण हैं तब अधिकृत होंगे, केवल प्रणव में ब्राह्मण परिव्राजक ही अधिकृत होते हैं, और गणेश इत्यादि का मंत्र लगाकर फिर पूर्व में प्रणव रखें तो क्षत्रिय वैश्य यज्ञों पर भी संपन्न भी और ब्राह्मण भी अधिकृत होते। केवल प्रणव का जप केवल ब्राह्मण परिव्राजक के लिए, अन्यों के लिए प्रणव के साथ में कुछ मंत्र शिव इत्यादि का लगाना चाहिए, शास्त्र सम्मत हो गया ये। और अंदर बाहर दोनों से, अगर घर से संबंध है और मन से संबंध नहीं है तो कुटीचक सन्यासी हो गए, कुटीचक बहुदक हंस परमहंस सलिंग सन्यास। सन्यास के चार भेद हैं, क्या सलिंग भेद सहित सन्यास के चार भेद हैं, कुटीचक बहुदक हंस परमहंस। इसका अर्थ होता है कुटीचक अपने घर में नहीं, घर का बाग वाग हो घर से दूर, वहाँ कुटी बना कर रहे, अपने घर से ही भिक्षा आ गई उसका सेवन किया, और वो त्रिदंडी हो सकते हैं, शिखासूत्र संपन्न हो सकते हैं, त्रिदंडी तब होंगे जब ब्राह्मण शरीर है शास्त्र के अनुसार, तो शिखासूत्र संपन्न होते हैं वो, या मान लीजिए चोटी जने वाले नहीं हैं, कुटीचक फिर संज्ञा उनकी हो जाएगी। कुटीचक का मतलब घर से इतना संबंध है कि भिक्षा वहाँ से आ जाती है और एकांत में रहकर भजन करते हैं, ये कुटीचक संन्यास। बहुदक का अर्थ होता आठ परिवार से, ब्राह्मण परिवार से भिक्षा मांग के पेट भर लेते हैं, ये बहुदक। हंस का अर्थ होता है कुटीचक बहुदक की निष्ठा से ऊपर उठ गए, परमहंस की निष्ठा भी हुई नहीं है, सत असत का विवेक, सांख्य कोटि का विवेक है और संन्यास है तो वह हंस हो गए। परमहंस का अर्थ होता है शिखा सूत्र विसर्जन पूर्वक संन्यास, फिर घर से बिल्कुल संपर्क नहीं रहे, संबंध न रहे। अब कोई घर का व्यक्ति आ गया तो बिल्कुल तटस्थ होकर, जैसे जिसमें राग नहीं है द्वेष नहीं है, ऐसा व्यक्ति कोई आ गया उसके प्रति जो भाव हो उसी प्रकार का भाव घर के व्यक्ति के पास भी हो। और आजकल शिष्टाचार में केवल पूछ दिया कुशल मंगल है, बस इससे ज़्यादा नहीं, नहीं तो रक्त का संबंध इतना प्रबल होता है 50 साल घर छोड़े हो जाने पर भी रिश्तेदार नातेदार बार बार दिखें, कुछ न कुछ कुशल मंगल उनके हानि लाभ की चिंता होने लगती है, बड़ा विकट होता है रक्त का संबंध। इसीलिए लिखा है कि ऐसे क्षेत्र में जाए जहाँ रिश्तेदार नातेदार कोई पहचानने वाले ही न रह जाएं। लेकिन अब कलिकाल है, जितना बन सके शिष्टाचार में अधिक से अधिक कोई परामर्श लेते हैं दे दें, लेकिन उदासीन वत रहना चाहिए परिवार वालों से। हो गया विधिवत संन्यास मित्र न गया समय, यह भी आवश्यक। वानप्रस्थ में थे न मनुष्यूपा, तीन पुण्य भवन न देखो जाई, राम राज्यश्री का तय क्या प्रथम मानव राजा हुए इक्ष्वाकु, उनकी राजधानी अयोध्या, मानव निर्मित विश्व की प्रथम राजधानी अयोध्या। लेकिन मानव मनुसंतान स्वयंभूत
मनु ने मानव नहीं ना, वो तो मनु के पूर्व मानव के पूर्वज हो गए ना, मानव स्वयंभव मनु की परंपरा वाले मानव हुए, उनकी तो मानव संज्ञा नहीं हुई, लेकिन उन्होंने राजश्री का त्याग किया तो वानप्रस्थ से पत्नी सहित शत्रुपा सहित तीन पुण्य भवन न देख जाए। कुशल मंगल पूछने की बात किया, भवन जाके देखा ही नहीं, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, उत्तराधिकारी बना दिया उत्तराधिकारी बना दिया। जब वानप्रस्थ के लिए लिखा है तीन पुण्य भवन न देखो जाई, संन्यास तो फिर जितना निभा दें भगवान। आप रह गए क्या? लभते पौर्व देहिकम फलवल कल्प है, यह साधन चतुष्टय संपन्न होकर ही कोई आया तो फलवल कल्प है कि पूर्व जन्मों में निष्काम भाव से कर्म का उसने अनुष्ठान किया, फलवल कल्प हुआ ना, अब वो फिर से कर्म आरंभ करे उसके लिए नहीं, यहाँ तक है इससे भी आगे की चीज़ है। पूर्व जन्म में महावाक्य का भी श्रवण हो गया, मनन चल रहा था, निध्यासन चल रहा था, लेकिन प्रारब्ध ऐसा था कि उसी शरीर से कृतार्थता ना हो, तब फिर उसको वामदेव जी का नाम है ऐत्रेय उपनिषद आदि में, माँ के एक जन्म का प्रतिबंध था, प्रारब्ध निमित्तक एक जन्म का प्रतिबंध था। गीता में आया है बहूनाम जन्मना मन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, अमुक अमुक कर्मों कर्म राशि ने या अमुक कर्म ने अंतर्यामी के संकल्प से फल देना प्रारंभ कर दिया, उस या उन कर्मों के फल स्वरूप जितना जन्म होना चाहिए उतने जन्मों के अंत में माने अंतिम जन्म में अगर मनुष्य शरीर मिल गया तभी श्रवण मनन निदिध्यासन का फल होगा, भगवान के प्रति पूरा समर्पण होगा। बहूनाम जन्मना मन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, तो वामदेव जी का केवल एक जन्म का प्रतिबंध था, माँ के गर्भ में आते ही, गर्भ के बाहर नहीं, माँ के गर्भ में आते ही पूरा हो गया, श्रवण मनन निदिध्यासन पूर्व जन्मों में था। उसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है, मान लीजिए यहाँ एक कोई सामग्री है ना, यहाँ पर एक बीज ने अंकुर दे दिया लेकिन वो इस ढका हुआ है, अब बीज यहाँ डालने की जरूरत नहीं है, आवरण को आच्छादक को हटा लेने की जरूरत, तो वामदेव ऋषि का एक जन्म का प्रतिबंध था, श्रवण मनन पूर्ण था लेकिन उस शरीर से उसकी पूर्णता होनी नहीं चाहिए, फलावसान श्रवण मनन नहीं था, कुंठित था वो एक जन्म का प्रतिबंध होने से, माँ के गर्भ में आना भी तो जन्म है ना, माँ के गर्भ में आते ही क्या हुआ, प्रतिबंध हट गया, वहीं ज्ञान हो गया, क्या मैं मनु हुआ, अपने सर्वात्म भाव की स्फुरण हो गया। और जर भरत राजा भरत के तीन जन्म का प्रतिबंध था, राजा भरत जब थे तब पिता ऋषभ देव जी से उन्होंने क्या आत्म तत्व का श्रवण कर लिया था, मृग होने पर क्या गुरु बनाते, गुरु बनाने की जरूरत नहीं थी, अब यहाँ जब जड़ भरत हुए ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, यहाँ तो कोई उन्होंने गुरु किया ऐसा लिखा नहीं है, क्योंकि उनको ऋषभ देव जी के द्वारा उपदेश प्राप्त ही था, प्रारब्ध तीन जन्म का था, एक राजर्षि वाला शरीर सा का, एक मृग का शरीर का, एक ब्राह्मण शरीर का, इसमें आते ही उनको प्रतिबद्ध जो ज्ञान था वो प्रकट हो गया, फिर न श्रवण की आवश्यकता, न मनन की, न निध्यासन की, न तदर्थ गुरु की, तो योगा भ्रष्ट के भी तारतम्य होते हैं ना, एक साधन चतुष्टय संपन्न होके आया तो उसका क्या है, अथवा योगिनाम एवा कुले भवति धीमताम एतद् दुर्लभ तरम लोके जन्म यदि दृश्यम, एक श्रीमानों के घर में आया, एक योगा भ्रष्ट जो आया योगियों के कुल में आया, एक तत्वज्ञान
मैं जो प्रतिबंधक प्रारब्ध को काटने के लिए ही जन्म हुआ, उपदेश पहले ही प्राप्त हो गया। तारतम्य होता है ना, आपका जो तारतम्य वो अपना अंकन करो अपना कौन से मैं हो। हाँ क्या हो तो होगा। ओहो, मैंने उसका उत्तर तो बहुत विस्तार पूर्वक दिया। अब ये लोटा को छू दिया, ऐसा है कि कर्म को छू दिया, कर्मकांड पूरा हो गया क्या? दीर्घकाल निरंतर आया ने सत्कार, योग दर्शन में दीर्घकाल हो, निरंतर हो, सत्कार पूर्वक आओ। ऐसे स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत्व भयात नेहाभिक्रम नाशोस्ती प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत्व भयात। गीता में निष्काम कर्म का यह महत्व है। मैंने उसका उत्तर दे दिया, फलबल कल्प है, साधन चतुष्टय में अंतिम चीज क्या है? मुमुक्षा। मुमुक्षा अगर तीव्र है, मंद है, मध्यम है, मुमुक्षा का स्तर क्या है? मंद, मध्यम, तीव्र, तो समझिए कि अगर मंद है तो उसको तीव्र कीजिए, मध्यम है तो उसको तीव्र कीजिए, मंद को मध्यम बनाइए, मध्यम को तीव्र। अगर मुमुक्षा भी उत्पन्न ही नहीं है तो समझिए कि पूर्व जन्मों में जो हमने निष्काम भाव से कर्म किया वो पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ, यही ना फलबल कल्प है ये। अब यह नहीं कि जिसका जन्म होता है अब काम्य कर्म कर रहा था, निष्काम कर्म कर रहा था, क्या कर रहा था? मनुष्य जीवन हुआ है तो पुण्यात्मा जरूर है, लेकिन मनुष्य जीवन हुआ है तो साधन चतुष्टय संपन्न ही है तो नहीं कह सकते। इसका आकलन तो फलबल कल्प ही है, क्योंकि लभते पौर्वदेहिकम का अर्थ क्या है? चलते 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 मार्ग में कोई सो गया, अब अपहरणकर्ता नहीं आया, मार्ग में सो गया, तो जहाँ तक उसने यात्रा कर ली उतनी यात्रा तो उसकी पूर्ण ही है ना। अब नींद टूटने पर फिर आगे जाएगा। पूर्व जन्मों में जितनी साधना हमने पूर्ण कर ली उसकी निष्ठा हमको प्राप्त हो जाएगी। योगा भ्रष्ट का अर्थ क्या होता है? योग शब्द प्रशंसा वाचक है, भ्रष्ट शब्द निंदा वाचक। धर्म भ्रष्ट कहें तो प्रशंसा है या निंदा? लेकिन योगा भ्रष्ट कहें तो लोग प्रशंसा मानते हैं, निंदा भी है ये। योग शब्द प्रशंसा, धर्म शब्द प्रशंसा का वाचक है, योग शब्द प्रशंसा का वाचक है, भ्रष्ट शब्द निंदा का वाचक। योगा भ्रष्ट किसको कहते हैं? पूर्व जन्मों में अनुष्ठित जो साधन उसका नाम है योग, उसकी स्मृति हो जाए। पूर्व जन्मों के साधन के प्रभाव से मैं कहाँ तक पहुँच चुका हूँ उस स्थिति की स्मृति हो जाए और प्राप्त हो जाए वह स्थिति, और किन कारणों से या किस कारण से पूर्व शरीर में ही कृतार्थ नहीं हो सका उस भ्रष्टता के बिंदु का भी साक्षात्कार हो जाए, तब योग भ्रष्ट होता है। जड़ भरत में दोनों था, मेरे नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ, मैं इतना प्रतापी था, कह दिया ना रघुगण को, क्या छोटा सा राजा होकर ताना कसता है, अधिकारी था इसलिए अपना स्वरूप प्रकट कर दिया। मालूम है जिस व्यक्ति के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष है वो कौन था? राजा भरत, वही मैं हूँ। तो अहंकार के कारण नहीं, उसको चेताने के लिए, उसका अभिमान को दूर करने के लिए। कपाली को कहाँ कहा कि किसको तुम बलि देने जा रहे हो? क्या कपाली को तो नहीं कहा, रघुगण को कहा। तो योग का भी ज्ञान था, भ्रष्टता मृग के बच्चे में प्रीति न हुई होती तो मृग शरीर की प्राप्ति न होती। तो योग आज किसी किसी में भ्रष्टता केवल देह प्रारब्ध शेष मूलक भ्रष्टता है, कोई बच्चे में, पत्नी में, पशु पक्षी में, किसी में राग तो नहीं हुआ, लेकिन उस वह प्रारब्ध जिन कर्मों का फल भोगने के लिए शरीर मिला था उस उन कर्मों में कुछ कर्म ऐसा शेष था कि एक शरीर और मिलना था, कोई प्रमाद नहीं हुआ, स्त्री विषयक मृग विषयक किसी तरह से प्रमाद नहीं हुआ, लेकिन एक वो देहांतर का जो प्रारब्ध बचा हुआ था वही भ्रष्टता के बिंदु और कुछ नहीं। और अगर कहीं राग आदि के कारण भ्रष्ट हो गए तब उस भ्रष्टता के बिंदु का भी ज्ञान होता, योगा भ्रष्ट होता है। ये फलबल
वो निष्ठा बता देती, उसमें भ्रम कुछ नहीं होता अपने आप। क्या अब अगर सचमुच में कोई व्यक्ति बीएससी पास हो गया है, एमएससी कक्षा में जा रहा है, बीएससी का ज्ञान उसके ताक पर है या उसके हृदय में है? हाँ, हृदय में है ना। इसी प्रकार से इस मार्ग में जितना वो चल चुका, वो कोई परोक्ष थोड़े है, अपरोक्ष ही उसकी निष्ठा, उसके जीवन अपरोक्ष। कभी कभी कर्म सांकर्य के कारण, आज तो प्रवचन ही हो गया, कभी कभी कर्म सांकर्य के कारण निष्ठा दबी हो और अपनी बुद्धि दृष्टि न जाती हो, तब पारखी जो दिव्यदर्शी गुरु हैं, वो अपनी दृष्टि एक्सरे की किरण के समान संकल्प बल से साधक के हृदय में वो अपनी दृष्टि पहुँचा कर, जैसे वो पहले बाल्टी गिर जाए ना किसमें, कुआं में तो निकालते थे ना रस्सी और कांटे के बल पर, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष उसके अंदर अपनी दृष्टि का प्रवेश करके साधन का साक्षात्कार कर लेते हैं और आच्छादक या आवारक या आवरण डालने वाली जो सामग्री है उसके अपनोदन का साधन उसको बता देते हैं, तो झटपट पौर्वदेहिक निष्ठा उसकी प्रकट हो जाती है। उसका वर्णन किसने किया? कबीरदास ने। बहे बहे जात थे लोक वेद के साथ, पेंडिया में सदगुरु मिलो दीपक दिनो हाथ। लौकिक कर्म वैदिक कर्म में रचा पचा था, बहे बहाए जा रहा था, इधर की कोई सुधबुद्धि नहीं थी, रास्ते में गुरु मिल गए। इसका अर्थ क्या हुआ? हम तो बेहोश थे, चले जा रहे थे, गुरु ने देख लिया ये कहाँ है, भेड़ों के बीच में कौन है, ये भेड़ों के बीच में कौन है, शेर है। तो उन्होंने दीपक दिया हाथ, ऐसा दीपक दिया जिस मार्ग से चलना चाहिए उसके अलावा किसी और मार्ग को दिखाता ही नहीं था। क्या दीपक देना हाथ का अर्थ क्या हुआ? ऐसा दीपक दिया, एक हमको दीपक दे, कुमार्ग सुमार्ग दोनों को दिखाएगा, लेकिन ऐसा दीपक दिया जिस मार्ग से पर चलना नहीं चाहिए उसको नहीं दिखाता था, जिस मार्ग पर चलना चाहिए उसी को दिखाता था, ऐसा दीपक दे दिया गुरु ने। एक भामतीकार ने वर्णन किया है, मिथिला की घटना होती थी पहले, और जगह भी होती होगी। एक होता है राक्षस का परभ्रंश राक्षस, तो कोई श्मशान आदि से यात्रा कर रहा रात में, गायत्री मंत्र आदि का बल इतना नहीं है, तो उसको क्या करता था, अधोगति को प्राप्त जो प्रेतात्मा, वो एक प्रकाश पुंज मणि के रूप में जैसे प्रकट हो जाती थी प्रेतात्मा, क्या प्रेतात्मा या प्रकट हो जाता था प्रेतात्मा, संस्कृत के जैसे बोलें तो, जिधर नहीं जाना चाहिए उधर का रास्ता दिखाता था, उसकी आंखों की दृष्टि का फरण करके चकाचौंध करके वो झाड़ी में गड्ढे में उलझा देता था। वो जोर से चिल्लाता था, अरे राकस राकस दौड़ो, गाँव वाले हम लोग लाठी लेके लालटेन लेके दौड़ते थे, हु हु किया तब जाकर बेचारा बच पाता था। तो जिस रास्ते से नहीं चलना चाहिए उसी रास्ते को दिखाता कौन? राक्षस। और गुरु ने जो दीपक दिया जिस रास्ते से गमन करना चाहिए उसके अलावा किसी और रास्ते को दिखाता नहीं। एक दीपक ये होता है जिधर नहीं जाना चाहिए उसको भी दिखाता है, जिधर जाना चाहिए उधर उसको भी दिखाता है, और ये विवेक है कि जिधर नहीं जाना चाहिए उधर न जाएं, कांट को भी दिखा दे प्रशस्त मार्ग को भी दिखा दे, हो गया ना। तो लभते पौर्वदेहिकम हृते ह्यवशोपिसह, अब ये ऐसा नहीं हृयते ह्यवशोपिसह, हठात ऐसा ना हो तो फिर बीच में गुरु आ जाते हैं, तू कहाँ, तुम्हारा ये मार्ग नहीं, चल इधर चल इधर। वो क्या करते हैं उसको ये गतिमती से, नारद जी यही ने किया ना, दक्ष प्रजापति के बेटों को निवृत्ति प्राण क्यों बना दिया? नारद जी पागल तो नहीं थे, न बुद्धि भेदम जनयद अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोशेत सर्वकर्माणी विद्वान युक्त समाचरण है या नहीं। नारद जी ने भगवान का जो ये कथन है उसके विपरीत काम नहीं किया, देखा कि ये दक्ष प्रजापति के जो बेटे हैं ये तो देखा देखी तप करने आए हैं संतान उत्पन्न करने के लिए, इनको तो विवाह का योग ही नहीं है, ये तो निवृत्ति परायण होने योग्य हैं। दक्ष जैसा गाली देगा देव साफ देगा दे कोई चिंता नहीं, ये जहाँ के वहाँ ले जाओ। क्या
जहाँ के हैं वहाँ ले जाओ। अरे तू कहाँ, तू विवाह के लिए जन्म लिया तुमने, तुम्हारा जन्म विवाह करने के लिए नहीं हुआ, तुम प्रवृत्ति मार्ग का नहीं है। देखा देखी तुम चले आया तप करने, विवाह के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए योग्यता। पिता ने कहा संतान उत्पन्न कर, बेटा ने सोचा संतान उत्पन्न करेंगे तो एक्सीडेंटल कहीं हिंदू ना होने लग जाए। आई एम एक्सीडेंटल हिंदू नेहरू जी, एक्सीडेंटल संतान ना हो। संतान उत्पन्न करने के लिए तप त्याग चाहिए, तप त्याग करने के लिए माने पिता ने कहा विवाह करना है, संतान उत्पन्न करनी, तो विवाह करने हैं तो दूल्हे वाली सामग्री दुकान में ढूंढने गए या समुद्र की ओर तप करने गए। इतने बुद्धिमान थे कि विवाह करके उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए जीवन में दिव्यता चाहिए ना, क्या जंग आदि कालु से दोषों से विनिर्मुक्त लोहा में गुरुत्वयुक्त चुंबक के प्रति आकृष्ट होने की क्षमता होती है, और उस चुंबक मणि में जंग आदि कालु से दोषों से विनिर्मुक्त लोहा को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है। दोनों की क्षमता का जब सम्मुख और सानुकूल संयोग प्राप्त होता है तब अमुक चुंबक से अमुक लोहा आकर्षित हो जाता है। इसी प्रकार जीव में, माता पिता में जिस स्तर के जीव को या बन सके तो साक्षात जगदीश्वर को जन्म देने की क्षमता होती है, तदनुकूल उनकी योग्यता के अनुसार जीव या ईश्वर आकृष्ट होकर उसके लाला या लाली बनते हैं, है ना। तप करने गए, इतना विवेक तो था कि गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने के पहले तपस्या आवश्यक है, तब हम उत्तम प्रजा को जन्म दे सकेंगे। नारद जी ने कहा अरे तू जन्म देने के लिए नहीं आया है, तू ले न जन्म लेना है तुम्हें न जन्म देना है, चल इधर निवृत्त। तो कभी कभी गुरु क्या काम करते हैं, गुरु खींच के ले आते हैं, अच्छा वो क्या होता है, चलो आम का बाग है, पपीता वो हम लोगों को, हमको तो ज्ञान है इसका, तो कंप्यूटर के कारण झांकने ही नहीं, बाग वाग लगाया अब कहाँ क्या है कुछ पता ही नहीं। एक तो शरीर में चलने की क्षमता नहीं रही कंप्यूटर के कारण, एक समय नहीं, लेकिन हम लोगों को पहचान है, आपको भी पहचान होगी। जिस आम को 15 दिन बाद पक्व होकर के डाली से अपने आप टूटना है, उस आम की पहचान जिनको हो जाती है, इसमें रस परिपाक अंतर्निहित हो चुका है। अब अगर इसको तोड़ लेते हैं, घर में पाल पे पकाते हैं, तो रस में विकृति नहीं आएगी, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक आम नहीं होगा, तो हो गया ना पक ले आए। ऐसे कोई कोई थोड़े कच्चे सन्यासी होते, गुरु ने क्या किया वो 4 वर्ष बाद वो घर छोड़ते, गुरु जी ने कहा हो जाएगा बाकी हम छुड़ा देंगे, 4 वर्ष की कसर पाल पर, पाल पर माने मेरे आश्रम में रहना, 4 वर्ष की कसर पूरी हो जाएगी, ठीक। और आजकल जो है देखिए खट्टा कच्चा स्वास्थ्य के लिए घातक, सबसे पहले मार्केट में आम जाए, और सबसे ख़राब आम होता है वो चटनी योग्य जो आम है उसको चूसने योग्य बना दिया ना, मरो आप पेट में, महंगी कीमत भी दो खूब और मरो भी। तो वो सन्यासी जो हुए अभी पाल पर रखने योग्य नहीं है, अभी तो च्यों भ्यों एक दो कटहल इधर, कटहल माने बेटा एक दो कटहल इधर, एक दो कटहल उधर, एक कटहल गोद में इधर, एक कटहल उधर, एक उंगली पकड़ चल रहा, 2-4 कटहल उत्पन्न करने की क्षमता वाले को अब संन्यास आश्रम में भर दिया, संन्यास आश्रम ही कलंकित हो भी गए, इसलिए थोड़ा संतर होता। लभते पौर्व देहिकम, अपनी दृष्टि से ही देख लिया, तो क्या हुआ माँ के गर्भ में आते ही ज्ञान हो गया, एक वहाँ नहीं हुआ तो माँ के गर्भ के बाहर आते ही बिना गुरु के ज्ञान हो गया, कैसे जर भरत जी को ऐसा हुआ दो, नहीं तो फिर साधन चतुष्टय संपन्न होके आए गुरु के पास चले गए श्रवण आदि के लिए, अथवा साधन चतुष्टय संपन्नता में किंचित कसर है, उस कसर की पूर्ति गुरु ने कर दी दिव्य दृष्टि से देखकर। कई विधा होती, अपने विधा का अंकन आप करो। अरे आप रह गया कोई, रुकदेव जी देखिए
आप मेरी प्रशंसा मत मानिए, इस जीवन में मैं सुखदेव जी महाराज से दीक्षित हूँ, मंत्र मुझे प्राप्त है, इसलिए उनके बारे में टीका टिप्पणी नहीं, वो मेरे लिए आराध्य भगवान। इस जीवन में सुखदेव जी महाराज से एकाक्षर मंत्र प्राप्त है, मैं उनका विधिवत दीक्षित शिष्य हूँ, लेकिन दर्शन की अवधि 2 मिनट से ज़्यादा नहीं। तो उनको भगवान शिव का अवतार माना जाता, शिव के वरदान से ही व्यास जी को प्राप्त हुए थे, अमर कथा का वर्णन भी है ना। ठीक, वो तो कोई उनको अब वो कहते हैं लीला की दृष्टि से पिता ने उनको ज्ञान दिया, लेकिन पिता के प्रति कुछ और बुद्धि होती है, पिता कितने भी सिद्ध क्यों ना हो, क्या तो समझ गए कि इस व्यक्ति की निष्ठा तो पूर्ण है, महाभारत सुखदेव जी की निष्ठा तो पूर्ण है, लेकिन हमारे पूज गुरुदेव ने बताया 2 प्रकार की स्थिति होती है, अलब्ध भूमिका में लब्ध बुद्धि एक प्रतिबंध है, अलब्ध भूमिका में अलब्ध बुद्धि दूसरा प्रतिबंध है, क्या अलब्ध बुद्धि वो सुखदेव जी के थी ऐतिहासिक धरातल पर, लब्ध भूमिका में अलब्ध बुद्धि, पता नहीं और ऊंची कोई स्थिति हो, क्या पता नहीं और ऊंची कोई स्थिति हो, लब्ध भूमिका में अलब्ध बुद्धि। और नारद जी ने जब 7वां अध्याय कौन छांदोग्य उपनिषद, नारद जी ने जब सनत कुमार भगवान से प्राण का महत्व समझा, थे तो आत्मजिज्ञासु तरत शोक मात्मवित, आत्मतत्व का ज्ञान प्राप्त करने आए, प्राण का महात्म्य जब सनत कुमार भगवान ने कहा तो लगा इससे बढ़कर कौन तत्व होगा, बस बस जिस तत्व को जानने आया था कृतार्थ हो गया, लो अलब्ध भूमिका में लब्ध भूमिका की बुद्धि बन गई प्रतिबंध। तो गुरु भी बहुत शिष्ट थे, से गुरु भाई अच्छा दोनों ही तो भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र, तो सनत कुमार ने क्या कहा मालूम है, धीरे से ऐसे मुकर जिनको आत्म तत्व की जिज्ञासा हो वो प्राण को ही चरम तत्व न माने, तुम मूर्ख हो समझ नहीं रहे हो, मैंने तुमको अभी प्राण का उपदेश दिया या आत्मा नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा, ऐसा जिनको आत्म तत्व की जिज्ञासा है उनको प्राण को ही आत्मा नहीं मानना चाहिए, मैंने तो प्राण के महत्व का वर्णन किया है, ज्ञातव्य तत्व तो उससे बहुत पर है, तो भगवान फिर प्राण से भी कोई पर तत्व है तो उसका उपदेश कीजिए, यह कौन सा हुआ अलब्ध भूमिका में लब्ध बुद्धि, सुखदेव जी की लब्ध भूमिका में अलब्ध बुद्धि। तब उन्होंने कहा कि अब ठीक है, अब किसी गृहस्थ से पाला पड़ेगा, वो परीक्षा लेगा खूब, तब जाकर उनके उपदेश से इसको मालूम पड़ जाएगा कि यही चरम भूमि है, इसलिए अपने यजमान के पास भेजता हूँ, क्षत्रिय के पास, किसके पास जनक के पास मिथिला। फिर सुखदेव जी से कहा, उस समय जो सुखदेव जी और भगवान वेदव्यास रहते थे वो सारी भूमि अभी चीन में है, तिब्बत से भी तिब्बत चीन में, वो जो वर्णन दिया गया है आजकल के भारत में वो सब पर्वत नहीं है, बहुत दूर। तो उन्होंने कहा तुम तो सिद्ध हो, आकाश मार्ग से जा सकते हो मिथिला, लेकिन ज्ञान प्राप्त करना है और मैं ब्राह्मण के पास नहीं क्षत्रिय के पास भेज रहा हूँ, इसलिए पैदल जाना, शर्त लगा दी। और जनक जो हैं ब्राह्मणों के उपासक हैं और हमको अपना गुरु मानते हैं, यजमान ठहरे, स्वागत के लिए वो सुखदेव जी आए हैं व्यासनंदन, ये सुनकर स्वागत की तैयारी करेंगे, कहलवा देना मैं जिज्ञास हो के आया हूँ, आपको यजमान मान के नहीं गुरु मान के आया। तब वो अपना जो घाटी तय करेंगे परीक्षा की, सारी घाटी पार कर गए, अंत में जनक जी ने कहा जो तुम्हारे पिताजी ने उपदेश किया वो पूर्ण है, तुम्हारी स्थिति पूर्ण है, इससे ऊपर कोई चीज़ नहीं, अलब्ध भूमिका में जो अलब्ध भूमिका में नारद जी की और यहाँ पर लब्ध भूमिका में अलब्ध बुद्धि का अपनोदन मात्र किया जनक जी ने, ज्ञान तो उनको पिता से ही हो गया था, इतना प्रतिबंध, शेष था आपका मानवोचित धरातल पर उत्तर।
तो एक ही पंक्ति नहीं हुई आज, चलो हो जाएगी दो चार। तस्याश्चेत्यादिना काण्डयो सम्बन्धं प्रतिज्ञाय तादर्थेन सिद्धेऽर्थे वेदान्तप्रामाण्यं सर्वोऽपि इत्यादिना प्रसाद्य अधुना कर्मभिः शुद्धबुद्धेः वैराग्यादिद्वारा ज्ञानोत्पत्तिः इति तयोः सम्बन्धं कथयति। पूर्वप्रसङ्ग तो बहुत व्यापक क्या हो गया, ये साधन चतुर्थ संपन्न है, ये थोड़े से खटखटाने की जरूरत है थी। कर्म कांड और ज्ञान कांड में कोई संबंध नहीं है, पृथ्वी और आकाश के समान ऐसा नहीं मानना चाहिए, दोनों में संबंध है। उपाय उपेय इस तथ्य को निर्धारण करने की प्रतिज्ञा भगवान भाष्यकार ने की, उसके लिए जो अपेक्षित विवेक विज्ञान चाहिए था सब प्रकट किया। अब सीधे कर्मकांड क्या है, उपाय है, ज्ञानकांड का अधिकारी बनाने के लिए ज्ञानकांड उपेय है, उपेय की सिद्धि उपाय के अधीन होती है, अतएव कर्मकांड की भी सार्थकता है। उसने कहा, उत्पूर्व पक्ष ने, आमनाया से क्रियार्थत्वात् ज्ञान कांड को गड्ढे में फेंक दिया है ही नहीं, क्योंकि क्रिया की सिद्धि के लिए कर्म की सिद्धि के लिए ही समग्र वेद हैं। इन्होंने कहा कि नहीं, तदर्थ भगवदर्थ आत्म तत्व के विज्ञान के लिए समग्र वेद है, इसलिए कर्मकांड का पर्यवसान भी। और कर्मकांड हमारे, तुम कहते हो ज्ञान का निरर्थक, हम कहते कर्मकांड भी सार्थक, क्यों, यह तो उपाय है, उपेय कौन है, ज्ञान, उस ज्ञान की सिद्धि में कर्म का उपयोग है, कर्म ज्ञान तक पहुंचा देता है, इसीलिए उपाय के अधीन उपेय की सिद्धि होती है, तो कर्मकांड की सार्थकता है। लेकिन जिस कर्म, जिस विधा से कर्म करने पर साधन चतुष्टय संपन्नता प्राप्त होती है या ब्रह्म विचार की क्षमता दक्षता प्राप्त होती है, वो विधा बृहदारण्यक उपनिषद आदि के माध्यम से प्राप्त करने योग्य है। यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विदिशन्ति, तपसा है अनाशकेन, ऐसा तप नहीं जो नाशक बन जाए, क्या अनशन के द्वारा लोग करते हैं, अर्थ अनाशकेन तप में सीमा यह है कि नाशक न बन जाए। तपसा निष्काम भाव से स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनम प्रहवेत पुंसाम, या वराहोपनिषद अप्रोक्षानुभूति का वचन है। इस प्रकार से कर्मकांड उपाय है, ज्ञानकांड उपेय है, दोनों में संबंध है, दोनों एक दूसरे के से संबद्ध हैं, ऐसा नहीं, ज्ञानोत्तर कर्म नहीं, ज्ञान की सिद्धि के लिए कर्म। तादर्थेन सिद्धेर्थे वेदांत प्रामाण्यम सर्वोपि इत्यादिना प्रसाद्य अधुना कर्मभिः शुद्धबुद्धयः वैराग्यादिद्वारा ज्ञानोत्पत्ति इति तयोः सम्बन्धं कथयति। अब कहते हैं, अब कर्मों के द्वारा शुद्ध बुद्धेः वैराग्यादिद्वारा बुद्धि शुद्ध होती है, और बुद्धि शुद्ध का लक्षण क्या है, धर्मते विरति वैराग्य हो, वैराग्य की सीमा क्या है कि वैराग्य किससे, किससे वैराग्य का विषय आत्मा तो हो ही नहीं सकता है, अनात्म पदार्थ, अनात्म पदार्थ मात्र, क्या किसी न किसी से तो वैराग्य सबको होता है, आम चाहिए या अमरूद, अब किसी ने कहा आम तो उसको वैराग्य किससे है, अमरूद, कोई ऐसा है जिसको वैराग्य ना हो, और जिस विषय से आज वैराग्य हो सकता कल राग हो जाए, ये भी होता है। तो वैराग्यास्पद कौन हुआ, जो अयोगास्पद संयोगास्पद वियोगास्पद है वह वैराग्यास्पद है, मन अनात्मा,
जो कुछ अनात्मा प्रपंच है उससे वैराग्य, कर्मकांड की सफलता इसमें है, धर्म से विरति, धर्म की सार्थकता वैराग्य में है। या वैराग्यादि द्वारा, इसलिए उसने कहा वृत्रासुर ने, मेरे प्रभु जिस पर अत्यंत द्रवित होते हैं उसको लौकिक पारलौकिक सिद्धि के जो उपाय हैं उस पर पानी फेर देते हैं, कहीं सफल नहीं होने देते, अर्थात असफलता असफलता करके इस मार्ग पे डाल देते। यह माने धर्म अर्थ काम के लिए अगर धर्मानुष्ठान है तो धर्म अर्थ काम के मार्ग में इतना विघ्न डालते हैं कि हठात व मोक्ष मार्ग का अनुगामी बनने के लिए बाध्य होता है। वृत्रासुर ने कहा भागवत के 6वें अध्याय और भगवान का वचन है अन्यत यस्या हम अनुग्रहणामी, जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ, धन का अपहरण कर लेता हूँ, संबंधियों में खटपट कर देता हूँ उससे भी अगर चेतता नहीं, अपने मार्ग को गंतव्य की को पहचान के उधर नहीं चलता, शरीर में रोग पैदा कर देता हूँ, रोग ऐसा कि भजन के समय स्वस्थ होता है, संसार की ओर झांकते समय उसके रोग ही रोग होते, मीरा के प्रभु रोग मिटे जब, पीर मिटे जब, वैद्य साम्रव होए, उसके रोग की दवा यही है आत्मानुसंधान कर, दूसरी ओर मत जा। ये अनुग्रह किस पर, आर्थार्थी की कामना की पूर्ति उन पर अनुग्रह, और इनकी कामना की पर विघात, जिसको जिज्ञास बनाना चाहते भगवान, इनकी कामना पर विघात विघात विघात, ये अनुग्रह। ऐसा त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए जितने आयास उस पर विघात, भगवान भगवान भी करते हैं, क्या करते हैं, ये अनुग्रह करते, ऐसे गुरु भी कर रहे, तू इधर का नहीं इधर, ऐसे भगवान भी करते हैं। प्रवृत्ति मार्ग पर जितना वो प्रवृत्ति पथ पर चलने के लिए जितना प्रयास करता है उस पर पानी फेर देते। शुद्ध बुद्धि है, बुद्धि शुद्धि का बुद्धि शुद्ध का अर्थ क्या है, जो शुद्ध बुद्ध तत्व है उसके अतिरिक्त किसी का वर्ण न करे बुद्धि, तब बुद्ध शुद्ध है। क्या अपेक्षित शुद्धत्व तो स्वर्ग में भी है, लेकिन शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्म तत्व है, उसके अतिरिक्त अन्य को न चाहने वाली बुद्धि शुद्ध बुद्ध है, शुद्ध बुद्धि है, उससे संपन्न शुद्ध बुद्ध है। क्या इसीलिए कर्म का फल है, कर्मकांड का फल असली क्या है, कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, आत्मशुद्धये आत्मा माने अंतःकरण, और उधर 6वें अध्याय में योग मात्म विशुद्धये, योग माने उपासना समाधि, वो आत्मा माने अंतःकरण की विशुद्धि के लिए, कर्मकांड के द्वारा शुद्धि, उपासना कांड योग समाधि के द्वारा विशुद्धि, अत्यंत वैराग्यवतः समाधि समाहित समाहितस्य दृढ़ प्रबोध, विवेक चूड़ामणि शंकराचार्य। धर्म का फल है अत्यंत वैराग्य, वैराग्य का फल है समाधि, समाहितस्य दृढ़ प्रबोध, जो समाहित जितना होगा उसको उतना ही दृढ़ बोध होगा। यह हुआ तो यहाँ कर्मोपासना दोनों को एक मानकर कर्तृतंत्र होने के कारण दो ही निष्ठा का वर्णन किया जा रहा है, एक कर्मनिष्ठा एक ज्ञाननिष्ठा। तयो संबंधम कथयति सर्वथापि, दोनों का संबंध हो गया, एक हो गया उपाय कोटि का, एक उपाय कोटि का, कर्मकांड जो है उपाय है, ज्ञान कांड उपाय है। आगमान मानांतराद वा व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व प्रतिपत्तौ अपि इत्यर्थ है। 5वीं टिप्पणी इन्होंने दी, अपि अपिरेवार्थ का, पानी पी लें एक घूट। हाँ सबसे अच्छा है ज्ञान का ही वर्जन कर ले वर्जन नहीं करना है तो
ज्ञान का ही वर्धन कर ले, कर्म उपासना ज्ञान सब का त्याग कर दे। बस वास्तविक संन्यास तो यही है ना। क्या चरम वृत्ति का भी संन्यास होता है या नहीं? सबसे तो न कर्म का लंबन है, न उपासना का, न ज्ञान का। पूरा संन्यास तो तभी होगा। पूरा संन्यासी कौन है? ब्रह्म। तो ब्रह्म तो न कर्म चाहिए, न उपासना, न ज्ञान। पूरा संन्यास उतना न सब सके तो ज्ञान का संन्यास न करे, फिर किसका करे? कर्म उपासना का। लेकिन ज्ञान की योग्यता तक पहुंचा दे कर्म उपासना तब या पहले ही? देखिए, न कर्मणा मनारंभा निष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यासना देवा सिद्धिम समधि गच्छति। कर्माधिकारी होकर कर्म का आरंभ ही न करे, सिद्धि नहीं मिलती। न कर्मणा मनारंभात निष्कर्म्यम, निष्कर्म माने संन्यास, निष्कर्म्यम निष्कर्म्य निष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासे नाधिगच्छति। न कर्मणाम अनारंभात, कर्माधिकारी होकर कर्म का आरंभ न करे तो काम नहीं बनेगा। इसलिए भगवान ने क्या सावधान किया? माते संगोस्त्व कर्मणि, ते संगह कर्मणि मा अस्तु। तुम्हारा अकर्म में माने कर्म के अनारंभ रूप कर्म में तेरा संग न हो। न तो संन्यास ना देवा, नदी पार करना है, नौका का लंबाई न ले, ना न ले सेतु का आलम्बन न ले, क्या पार करेगा? और बीच में उचक पड़े, कूद पड़े तब? न च संन्यास ना देवा, कर्म के द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होनी चाहिए साधन चतुष्टय, उसकी प्राप्ति के पूर्व अपक्व योग भूमिका में कर्म संन्यास न करे। अपक्व योग भूमिका होने पर कर्म का संन्यास अवश्य करे। उस तट पर नौका पहुंच गई माने नदी, अब नौका का त्याग भी विहित है या नहीं? पहले आलंबन विहित है, बीच में असन्यास, बीच में चपलता का परिचय देकर कूद मत करो, कूद मत जाओ, डूब जाओगे। विधिपूर्वक अपनावें और अवधि पर्यंत निर्वाह करें, जब तक उस पार न ले जाए। साधन चतुष्टय संपन्न न बना दे कर्म उपासना तब तक। यहाँ कर्म उपासना को एकीभूत करके बोला जा रहा, दो निष्ठा हो तो, तीन निष्ठा हो तो बीच वाली भूमिका है यह। आगमान मानांतराद वा व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व प्रतिपादितौ अपीत्यर्थः। मानांतर से हाँ मध्य में रखते हैं। भागवत में तीन निष्ठा का वर्णन, भगवान ने कहा कि अत्यंत जो विरक्त हैं उनके लिए ज्ञान निष्ठा, न अत्यंत विरक्त न अत्यंत अनुरक्त, उनके लिए उपासना। और समासक्त जो हैं अभी कर्माशक्ति फलाशक्ति है, उनके लिए कर्म है। अब ये हुआ तीन निष्ठा है, तो बीच में उपासना कर्म। इसीलिए वो कहा ना भगवान ने, कायेन मनसा बुद्धिया केवले इंद्रियरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्म शुद्धये। यह कर्मयोग की निष्ठा, फिर उपासना की निष्ठा माने समाधि उपासना। योगमात्म विशुद्धये, योगम शब्द से उपासना कांड को लिया। और अंत में भगवान ने कहा क्या? ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, यह उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः निष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासे नाधिगच्छति। यह ज्ञान निष्ठा का वर्णन। लेकिन भगवान ने दो निष्ठा का भी वर्णन किया है। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्मयोगेन योगिनाम। दो निष्ठा भी, तीन निष्ठा भी, दो को फैला दिया कर्मनिष्ठा को ही, तो कर्म उपासना दो नहीं तो दो ही निष्ठा है। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा यह मया पूरा प्रोक्ता मयानघ ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्मयोगेन योगिनाम। दो निष्ठा भी। पुरुषार्थोपाय विशेषार्थिनः तज्ज्ञापनार्थं कर्मकाण्डम् आरब्धम्। पुरुषार्थ
मोक्ष नामक पुरुषार्थ के उपाय विशेष के रूप में अर्थी माने उपाय के अधीन उपाय की सिद्धि है ऐसा समझकर परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है उसकी सिद्धि के लिए अपेक्षित है ज्ञान, उस ज्ञान में अधिकृत होने की भावना से वो क्या करते हैं, कर्मकांड का आरंभ करते हैं। ते तरी तत्रोक्त कर्म भी रेव विवक्षित पुरुषार्थ सिद्धे वेदांतारंभ वैयर्थ्यात्ना संबंधोक्ति। अब कहते हैं अगर ज्ञान कांड की सिद्धि के लिए चरम पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि के लिए कर्म की आवश्यकता है ही, तो यों क्यों ना बोल देते कि कर्म से ही सारा काम बन जाता है, कर्म से ही मोक्ष हो जाता है। साधन के रूप में मानते हो तो अधकचरा क्यों, कर्म पहुंचाएगा वैराग्य तक, वैराग्य पहुंचावेगा फिर योग तक, योग पहुंचावेगा ज्ञान तक, ज्ञान पहुंचावेगा मोक्ष तक। सीधे कह दो कि कर्म से मोक्ष, तो कर्म का फल अनित्य होता है, कर्म का कृतक नश्वर होता है। अच्छा, जो वस्तु अज्ञान मात्र से अप्राप्त है उसके लिए तो कर्म की क्या आवश्यकता होगी, ज्ञान मात्र से प्राप्त होगा तत्व न। यहाँ पर प्राप्त भी कोई स्वभिन्न थोड़े है, कर्म के द्वारा स्वभिन्न की प्राप्ति होती है, यहाँ प्राप्त भी जो है नित्य प्राप्त ही है, नित्य प्राप्त की प्राप्ति तो ज्ञान से ही हो सकती है, इसलिए कर्म उसका उपकारक है, उपकारक है अवान्तर। उसमें क्या हुआ जी, आरात उपकारक, दूर से आरात उपकारक है। पुरुषार्थोपाय विशेषार्थिना तज ज्ञापनार्थम कर्मकांडम आरब्धम चेत। अगर पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए उपाय के रूप में कर्मकांड का आरंभ आवश्यक है ऐसा मानते हो तो तरी तत्रोक्त कर्म भी रेव विवक्षितम पुमर्थ सिद्धे है। तब तो फिर क्यों न मान लो कि अपने आप में कर्म ही पुरुषार्थ की सिद्धि में हेतु है। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते थे, दयानंद स्वामी बड़े बुद्धिमान थे क्योंकि उन्होंने कर्म से मोक्ष माना, तो उनके यहाँ मुक्त पुरुष फिर जन्म लेता है, मोक्ष उनके यहाँ क्या है, नश्वर है। मुक्त पुरुष का फिर जन्म होता है, फिर मोक्ष का लाभ क्या हुआ, मोक्ष का लाभ हुआ कि बीच में नहीं गिरता बाद में आ जाता, मुक्त पुरुष फिर बद्ध हो जाता महाप्रलय के बाद, फिर उसका जन्म हो जाता। आज अगर कोई मुक्त हुआ अब प्रलय की प्रतीक्षा करे, प्रलय की अवधि बीतने के बाद में फिर जन्म हो जाएगा, इसीलिए श्री रामकृष्ण आदि को वह मुक्त जीव का अवतार मानते हैं, लेकिन मुक्त का फिर पुनर्भव भी मानते हैं, क्योंकि कर्म से मोक्ष माना है तो कम से कम इतना तो कहा कि मोक्ष नित्य ये नहीं है, अनित्य है, कर्म का फल अनित्य है तो सिद्ध हो गया ना उनके मत में भी। असल में बात क्या थी, एक दिन हमने बताया था लो एक महीने पहले, एक अंग्रेज ने पूछ दिया महानुभाव से, क्यों स्वामी जी आप ऐसा मानते हैं कि मुक्त जीव फिर सदा के लिए मुक्त ही हो गया या मुक्त हो जाता है, जीव का भंडार कितना भी हो एक एक कालक्रम से मुक्त होते जाएंगे तो आखिर वो भंडार तो समाप्त हो जाएगा ना, तब तो ईश्वर की फैक्ट्री बंद हो जाएगी क्या। अरे जीवार्था सृष्टि, तो जीव रहेगा तब तो उसके लिए सृष्टि की जरूरत पड़ेगी। अरे ये तो अंग्रेज ने पूछा था एक, ये तो बहुत तुमने गंभीर बात की, तो अब मैं स्थिर मोक्ष मानूंगा ही नहीं, मुक्त जीव का भी जन्म दे दूंगा, जन्म स्वीकार कर लूँगा, ये हो गया। अब उत्तर क्या था भाई, अनंत का अर्थ क्या होता, असंख्य का अर्थ क्या होता, कितना भी लो कह देते असंख्य मानते हैं ना हम। उत्तर ये था, उन्होंने समझ लिया कि ठीक कह रहा है ना, भंडार घर में अगर एक एक कई टन चावल हो, एक एक चावल को ही कोई चीटी उठा के ले जाए तो कभी न कभी तो ख़त्म होना ही है चावल। तब उन्होंने कहा मुक्त जीव का भी जन्म मान लूँगा, तो लो मुक्त जीव हो गए, फिर जन्म लेते रहो।
तो कहते हैं कर्म ही पर्याप्त क्यों नहीं है पुमर्थ की सिद्धि के लिए, माने परम पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि के लिए। कहिए नहीं, कर्म कर्म जो है ज्ञानाधिकारी बना सकता है। और ज्ञान से मोक्ष मानेंगे क्योंकि हमारा जो प्राप्य है वो अपने से प्राप्य जो है वो अपने से भिन्न है या भिन्न है, अभिन्न है तो फिर तो वहाँ ज्ञान की आवश्यकता हुई ना। अच्छा, कंठाभरण विस्मृत कंठाभरण वत, कभी चश्मा हम लगा के चश्मा ढूंढने लगते, अब चश्मा मिले तो कहाँ से मिले, कभी चश्मा ऐसे करके चश्मा ढूंढते हैं, परेशान होते 15 मिनट समय बेकार, फिर हूँ तो ये चश्मा है। तो प्राप्त की प्राप्ति अप्राप्त, प्राप्त की अप्राप्ति अगर होगी प्राप्त की तो अज्ञान मूलक होगी, तो ज्ञान मात्र से उसकी निवृत्ति होगी ना। कर्म इत्यादि उसमें अवान्तर सहयोगी बनेंगे, सहकारी बनेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं, कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च, बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं, विद्यां प्रयच्छ परमं परिभावयामि। क्या आज गणेश जी का कब ले जाओगे गणेश जी को? हाँ, खाने के बाद, हाँ पेट भर जाए तब। वहाँ समुद्र में अन्यता कौन होगा ले जाने के लिए? हाँ सर, हाँ सर, हाँ हाँ, हमको वाकई कुछ 100 को साफ बोल रहा है।